नोटबंदी को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज भी कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार धन की निकासी सीमा पर लगाई गई तमाम रोक तत्काल हटाए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का यज्ञ 50 परिवारों और 1% सुपर रिच लोगों के लिए किया जा रहा है और इस यज्ञ में हिंदुस्तान के गरीबों, किसानों, मजदूरों, मिडिल क्लास और छोटे दुकानदारों की बलि चढ़ाई जा रही है। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी लोगों में डर की भावना पैदा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जनता के साथ खड़ी होगी और गुस्सा और घृणा फैलाने वाली नरेंद्र मोदी और आरएसएस की विचारधारा को परास्त करेगी। वहीं राहुल गांधी के वार पर बीजेपी ने भी खूब पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी नोटबंदी पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमारी लड़ाई आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जबकि राहुल गांधी चोरों को बचाना चाहते हैं। इस दौरान बीजेपी ने राहुल से कुछ सवालों के जवाब भी मांगे। उन्होंने पूछा कि 2G घोटाले कॉमनवेल्थ गेम में मोटा माल किसने खाया। शर्मा ने यहाँ केजरीवाल को भी आड़े हाथ लिया। कांग्रेस का केजरीवालीकरण हो गया है। नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो गए हैं और इस पर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज भी राहुल गांधी ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए तो बीजेपी ने भी कांग्रेस को उनके कार्यकाल में हुए घोटाले याद दिलवा दिए। देखते रहिए डीबी लाइव।